हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज की वीडियो में साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने शाहरुख खान की पठान और सलमान खान की टाइगर 3 को पीछे छोड़ दिया है। इसके बारे में आज की वीडियो में जानने वाले हैं हम। फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी हिंदी वर्सेस साउथ चल रहा है। ऐसे में अभी भी कमाई और कंटेंट के मामले में बॉलीवुड से ज़्यादा सफल साउथ की फिल्में रही है। इसका उदाहरण हाल ही में आई कन्नड़ फिल्म कात्सा भी है। वही एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मोस्ट एवरेज फिल्मों से एक है। इस फिल्म ने बॉलीवुड के दिग्गज सलमान खान और शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है। फैन के बीच पुष्पा 2 को लेकर अभी भी भारी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। अगले साल यानी 2023 में कई बड़े फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली है, जैसे पुष्पा 2, पठान, जवान, टाइगर 3, डंकी और इसके अलावा और भी कई फिल्में हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन ने शाहरुख खान और सलमान खान को पीछे छोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं कि लोग किस हिंदी फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। ये न तो सलमान खान की टाइगर 3 है और न ही शाहरुख खान की पठान। ये मूवी है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2। जी हाँ, ये एक सर्वे के बाद ही पता चला है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 देखने के लिए फैन बेसब्र होकर इंतजार कर रहे हैं। अभी अल्लू अर्जुन पुष्पा द रूल मूवी की प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में शुरू होने वाली है और मैक्स मीडिया ने हाल ही में मोस्ट एवरेज हिंदी फिल्म को लेकर एक सर्वे किया। 15 अक्टूबर तक अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 पहले नंबर पर है। इसके अलावा शाहरुख खान की पठान का इंतज़ार कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर सलमान खान की टाइगर 3 है। इसके अलावा चौथे और पांचवें नंबर पर SRK की 2 फिल्में हैं, जवान और डंकी। RMS की रिपोर्ट के माने तो पुष्पा 2 अगले साल 2023 में मोस्ट एवरेस्टिंग फिल्म में से एक बन गई है। पुष्पा 2 2023 में आने वाली है। सभी बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है अल्लू अर्जुन की पुष्पा। साउथ के बड़े डायरेक्टर सुकुमार के डायरेक्शन में बनी थी पुष्पा द राइस में अल्लू के अलावा रश्मिका मर्दान और फरहाद फासिल रील रोल में नज़र आए थे। फिल्म ने वर्ल्ड वाइज करीब 350 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म के दूसरे पार्ट की भी स्टार कास्ट पिछली फिल्म की ही है। फिल्म की शूटिंग को देखते हुए फैन यह उम्मीद लगा रहे हैं कि यह फिल्म अगले साल तक रिलीज हो जाएगी।